मजा आया। अच्छा है। ट्राई करते हैं इडली सांभर से, ठीक है? पहली बार ट्रायल हो रहा है और दुआ करते हैं कि सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? आप देख सकते हो वहाँ पे। और अभी शाम बैंगन, आलू, धनिया, ठीक है, करते हैं। बहुत मस्त हो रहा। अच्छी बनी। सो हेलो गाइस, अमित डन व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो अमित को इडली और सांभर खाने की इच्छा है। सो आज शुरुआत करते हैं इडली सांभर से, ठीक है? देखो, जैसे मैंने कुकर रख दिया है और अभी दाल उबालने के लिए रखते हैं, ठीक है? सो वीडियो में बने रहना, आगे आगे आपको रेसिपी दिखाते हैं। ओके गाइस, सो अभी फिलहाल जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सुन लिया कि आज इडली और सांभर वैभवी बनाने वाली है फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई को भी अच्छा लगता है, वैभवी को भी, लेकिन घर पे अभी होममेड कभी बनाया नहीं आज तक, ठीक है? आज पहली बार ट्रायल हो रहा है और दुआ करते हैं कि सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? सो कोई बात नहीं, जो भी होगा वो अच्छा होगा, खुद की हाथों का बनाया हुआ अच्छा ही लगता है। तो अभी दाल वगैरह सब कुछ पक रहा है और अभी जो सांभर बनाने के लिए मसाला है वो अभी तैयार कर रही है, और थोड़ा सा ये लहसुन और आदू मिर्ची इनकी पेस्ट बना रही है, ठीक है? थोड़ा सा मिक्सर से हटके करते हैं कुछ अलग, ताकि टेस्ट थोड़ी अलग आ जाए, ठीक है? उसके बाद जाएंगे हम खीर लाने के लिए, जिसकी रेडीमेड खीरू, मतलब वो गुजराती में बोलते हैं, हाँ, इडली का खीरू गुजराती में कहा जाता है, दैट मीन्स वो एक प्रकार से क्या ग्रेवी होती है ना, हाँ, उसके बाद वो लाने के लिए जाएंगे। और उसके बाद इडलियाँ बनाने की जो प्रोसेस है और किस तरह से बनती है इडली और सांभर, वो आपको पूरा का पूरा चखाएंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम आज वैभवी भी प्रिपेयर कर रही है और वीडियो भी अपना इडली का जो होममेड है वो पहली बार बन रहा है। सो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कर देना और अभी आगे देखते रहना, ठीक है? सो वेट एंड वॉच। कहाँ जा रहे हैं यार? मोहन में नहीं जा रहे अभी, उसके लिए टाइम है। सो गाइस अभी जाते हैं लाने के लिए हीरो, और उसके बाद दैट मीन्स इडली का जो सामान है वो लाने के लिए, ठीक है? शॉपिंग करने के लिए जाना, शॉपिंग करने के लिए बाद में जाते हैं, ओके? सो प्लीज आरो कहाँ आ गए? आरो साइड में आ जाओ। सो फाइनली अभी हीरो ले लिया भाई हमने, आपका नाम, नाम आपका धवल भाई के पास से खीरू ले लिया और थोड़ा सा उन्होंने गाइडेंस किया कि कितने लोगों के लिए कितनी इडली बनाना है, तो आप भी जरूर विजिट कर लेना। अभी जाते हैं घर पे और इडली आप बनाते हैं कंप्लीट, फर्स्ट टाइम वीडियो भी और फर्स्ट टाइम वैभवी के हाथ से, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ गाइस। खीरू हम अभी लेके आए, पहली बार बना रहे भाई इडली का वीडियो, तो हो जाता है कभी कभी न्यू वर्ड, नए नए, ठीक है? ये इस तरह का वैभवी अभी निकल रही है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, और अभी बनेगी एकदम बढ़िया वाली इडली। उसके लिए ये इडली का है पॉट, इडली पॉट इसे कहते हैं भाई, इडली पॉट है, और इसके अंदर ये निकालेंगे तो ये अलग अलग ऐसे लेयर आते हैं, ठीक है? इस तरह का इडली पॉट, और अभी इडली का खीरू, और उसके बाद हो गई प्रिपरेशन भाई। चल रहा है, हो गया प्रिपरेशन, थोड़ा मसाला वगैरह सब कुछ एकदम, मसाला बोलता है यूज करने वाले हैं अभी फिलहाल, एवरेस्ट वाला हम यूज करने वाले सांभर मसाला, ठीक है? तो बहुत अच्छी बनेगी, टेस्ट आपको बताता हूँ कि किस तरह से अभी आज बनने वाले इडली। ओके गाइस, सो अभी फिलहाल इडली बनाने की प्रोसेस तो भाई शुरू हो गई है। ये वैभवी खीरू उसके अंदर डाल रही, जो भी उसका पॉट होता है इडली पॉट, ठीक है? इस तरह का आप देख सकते हो, उसके अंदर तेल डाला जाता है पहले से, इसको तेल लगाया जाता है, पॉट के अंदर, मतलब पॉट को नीचे से ना तेल लगाया जाता है, फिर वो चिपकेगा नहीं, तो उसके बाद बनेगी इडली। और आयका चल रहा है यहाँ पे मसाला तैयार करने का काम, ठीक है? मैं अभी रेडी, ऊपर से थोड़ा सा जीरो और जा रहे अभी इडली पॉट के अंदर। ओ,
ये है इडली रेडी फॉर ऑर्डर। उसके ऊपर जाएगा अभी ये अभी कुछ कितने टाइम के लिए उसको अभी भाई पकाना है 15 मिनट 15-20 मिनट तो लगेगा। 15-20 मिनट के लिए अभी उसको ऐसे ही छोड़ देते थोड़ा पकने के लिए। ओके तो तब तक वेट करते हैं। अभी क्या चल रहा है मसाला प्रिपेयरिंग करना भाई। इडली तो अभी भाई पक रही है ठीक है गैस के ऊपर आप देख सकते हो वहाँ पे। और अभी सांभर के लिए जो मसाला तैयार किया है बहुत ही बढ़िया ऐसा डेकोरेट करके। क्या क्या इसके अंदर है भाई बता दो फटाफट। बहुत ही मस्त ऐसा लग रहा है। प्याज, ड्रमस्टिक, बैंगन, आलू, धनिया और टमाटर। टमाटर इतनी अच्छी तरह से ये कंप्लीट डेकोरेट किया गया है। और ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ठीक तो इतना सारा मटेरियल अभी सांभर के अंदर जाएगा मतलब कितना टेस्टी होगा सो आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है तो वेट करते हैं। अभी इडली तो पक रही है और सांभर की तैयारी हो गई है शुरू। वेट मतलब आलू उसके अंदर जो मसाला डाला था वो सब कुछ। और अभी इसके अंदर जो भी मटेरियल अभी प्रिपेयर किया था सांभर बनाने के लिए वो सब कुछ जा रहा है अंदर। और पहली बार आज वो भी एकदम बढ़िया ऐसा बना रही है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। पहली बार बना रही है बहुत मस्त सांभर तो पहली बार ही बन रहा है ना भाई। ठीक है तो बहुत ही मस्त ऐसा आज स्वाद और मस्त आज इडली तो मैं 50 खाने वाला हूँ आज। 50 इडली खाने वाले आज। ठीक है क्या बोलते हैं इसको कोपरा कोपरा की चटनी है। ये कोपरा की चटनी भी बनाई है साथ में मतलब नारियल 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 की चटनी है। हाँ नारियल की चटनी वो गुजराती में कहती है नारियल चटनी भी बनाई है। फाइनली इडली तैयार हो गई है भाई। भाई ने अभी नीचे उतारा और अभी नीचे एक 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 उसके अंदर से निकालते हैं। आरू ने सबसे पहले अभी शुरुआत करने वाले इडली खाने का। ठीक है चलो आरू बता दो फटाफट कैसा टेस्ट है। अच्छा है क्या बात है बहुत मस्त है। प्लेट में निकालते हैं धनिया और थोड़ा सा धनिया डालते हैं सांभर के ऊपर। तो बहुत मस्त लग रहा है देखिए सांभर और इडली दोनों तैयार हो गई है। अभी इसको निकालते खाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी खाने के लिए तैयार हो जाओ आप भी और हम भी और प्लेट में निकाल के फिर आपको टेस्ट कराते कैसी है। ठीक है कैसी होगी बहुत मस्त बढ़िया। ओके गाइस तो फाइनली अभी इडली तो भाई अपनी तैयार हो गई है। ठीक है यहाँ पे मेरे सामने मैंने अभी ले लिया है सांभर नारियल की चटनी और ये इडलिया। ठीक है और ये हमारी डुबू। ही यार आपने खा ली इडली कैसी लग रही। बापरे ये देखो शौक खा रही है वही भी अभी वहाँ पे निकाल रही है सबको परोस रही है इडली और सांभर। तो अभी फिलहाल मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे बनी है। तो फिलहाल बने रहो भाई। एक इडली इसके अंदर चाहिए मुझे तो ऐसे ही लगता है। अच्छा सो चम्मच में इसके अंदर डुबाओ ऐसे और फिर खाओ। चम्मच ओके ऐसे चम्मच में इसके अंदर डुबाओ के टेस्ट करते हैं। बहुत मस्त बना। अच्छी बनी बहुत मस्त बना गाइस। सांभर तो बहुत ही बढ़िया हो गया। वो भी अभी बना रही क्या देखो इधर होगा नहीं ना आपने 50 बोला है तो 50 तो कंप्लीट बनाना पड़ेगा ना। तो इडली और सांभर का गाइस मजा लेते हैं। ठीक है और एक वाइट इसके अंदर डुबो के और ये गया। बहुत मस्त इतनी सारी बनी। ओके सो इडली सांभर का भी एंजॉय करते हैं। आप भी इस तरह से ये मेथड यूज करना इडली सांभर बनाने के लिए जैसे वैभव ने किया। ओके और एंजॉय करते हैं और फिर भर पेट खाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर लाइक और कमेंट।
कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बी हैप्पी। लाइक करो।